अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। तो आज का जो हमारा न्यू कंसेप्ट है, न्यू स्टार कंसेप्ट एंड न्यू जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलेशन जो हम डिस्कस करते हैं सी अर्चिन का, एक्सटर्नल फर्टिलेशन इन द सी अर्चिन। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट इवेंट्स कि जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलेशन में, सी अर्चिन में जो इवेंट्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो इवेंट होता है, दैट इज स्पर्म इज कीमोटेक्टिकली अट्रैक्टेड टू द एंड एक्टिवेटेड टू द एग। मतलब स्पर्म जो है वो कीमो अट्रैक्शन करता है, एंड कीमो अट्रैक्शन में यहाँ पे सबसे फर्स्ट होता है रिजेक्ट एंड स्पेरेक्ट, एक जेली से रिलीज किया जाता है। एंड एक जेली जैसे रिलीज करता है रिजेक्ट स्पेरेक्ट, ये कीमोटेक्टिक पेप्टाइड, 14 अमीनो एसिड सिग्नलिंग पेप्टाइड है। वो स्पर्म के रिसेप्टर ग्वानिल साइक्लेज RGC को एक्टिवेट करते हैं। स्पर्म के हेड में साइक्लिक GMP बनता है, साइक्लिक GMP कैल्शियम चैनल ओपन करता है एंड कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। तो ये साइक्लिक GMP एंड कैल्शियम स्पर्म को कीमो अट्रैक्ट कराते एक के तरफ। तो ये फर्स्ट होता है स्पर्म का कीमो अट्रैक्शन। जैसे ही कीमो अट्रैक्शन होगा, ये जो है स्पर्म कॉन्टेक्ट जेली लेयर, स्पर्म जेली कोट को बाइंड होगा। जेली कोट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर कोट, कि जो बाहर का कोट होता है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मीन्स वाइटल लाइन मेम्ब्रेन। तो दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले स्पर्म कॉन्टेक्ट जेली लेयर, एंड जेली लेयर पे स्पर्म सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड रिकॉग्नाइज होते हैं एंड एक्रोसोमल रिएक्शन ट्रिगर्स होता है। तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। तो देखो अलाउिंग द एक्रोसोमल प्रोसेस टू फॉर्म एंड रिलीज प्रोटोलिटिक एंजाइम। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में दो प्रोसेस होते, एक प्रोसेस होता है एक्रोसोम रिएक्शन कि जिससे एक्रोसोम वेसिकल से सारे एंजाइम रिलीज होंगे एंड वो एंजाइम जेली कोट को ब्रेक करेंगे, एंड दूसरा एक्रोसोमल प्रोसेस फॉर्मेशन जिससे जी एक्टिन प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट्स में फॉर्मेशन करते एक्टिन माइक्रोफिलामेंट का, एंड स्पर्म का हेड आगे की तरफ एक्सटेंड होता है एंड बाइंडिंग आउटसाइड डिस्प्ले होते। तो यह है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में डाइजेशन ऑफ जेली लेयर हुआ, होल फॉर्मेशन हुआ जेली कोट में, एक्रोसोमल प्रोसेस बना। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सटेंड हुआ हुआ हेड एंड बाइंडिंग जो है आउटसाइड डिस्प्ले हुए। उसके बाद जो भी बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं दे स्पेसिफिकली इंटरेक्ट विद द EBR1 रिसेप्टर। मतलब बाइंडिंग EBR1 रिसेप्टर के साथ स्पेसिफिकली इंटरेक्ट करते हैं, जिसे स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं। तो स्पर्म आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म बाइंड टू द वाइटल लाइन मेम्ब्रेन, एंड वाइटल लाइन मेम्ब्रेन को बाइंड होगा तो वहां पे वो स्पेसिफिक इंटरेक्शन करेगा। तो स्पर्म वहां पे वाइटल लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर मेजर रोल प्ले करता है, बाइंडिंग EBR1 रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है, या बाइंडिंग बाइंडिंग रिसेप्टर का इंटरेक्शन हम बोलते हैं उसे। तो ये स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। फर्स्ट स्पर्म जैसे फ्यूज हुआ तो फर्स्ट स्पर्म को अलाउ किया गया, एंड फर्स्ट स्पर्म ये मेम्ब्रेन फ्यूजन करता है जहां पे फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स काम करते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग इट इज ऑल्सो एक्ट एज द फ्यूजोजेनिक प्रोटीन। एंड जैसे ही पहला स्पर्म अलाउ किया जाता है एक से, तो बाकी के स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक किया जाता है, जिसे ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी बोलते हैं। एंड ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी में फास्ट ब्लॉक एक होता है जहां पे Na+ इनफ्लक्स होता है। विद इन सेकेंड ये फास्ट ब्लॉक एक्टिवेट होता है। फास्ट ब्लॉक ये ट्रांजिएंट ब्लॉक है, एंड वो फास्ट ब्लॉक में डीपोलराइजेशन किया जाता है मेम्ब्रेन का, जहां पे +20 mV तक जो है वो मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होता है। एंड फास्ट ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक की जो विद इन 1 मिनट एक्टिवेट होता है उसे स्लो ब्लॉक बोलते हैं, जो कि कैल्शियम आयंस की वजह से होता है। कैल्शियम ER से रिलीज किए जाते हैं साइटोसोल में, एक साइटोसोल में, एंड वो कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस करते हैं। ये सारे इवेंट सी अर्चिन में सिक्वेंशियल होते हैं। ये सी अर्चिन फर्टिलेशन में एक्सटर्नल फर्टिलेशन के इवेंट्स है। तो पहला इवेंट हमने देखा कीमो अट्रैक्शन जहां पे रिजेक्ट और स्पेरेक्ट काम करते, दूसरा इवेंट बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द जेली कोट को बाइंडिंग होगा, तीसरा इवेंट एक्रोसोमल रिएक्शन एक्टिवेट होगा, चौथा इवेंट बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द वाइटल लाइन मेम्ब्रेन जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते, एंड पांचवा इवेंट हमने देखा कि स्पेसिफिक इंटरेक्शन जहां पे बाइंडिंग EBR1 रिसेप्टर का इंटरेक्शन होगा। देन सिक्स्थ इवेंट दैट इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि पहले स्पर्म को अलाउ किया जाएगा, फर्टिलेशन कोन बनेगा एंड वो फ्यूज होगा, एंड उसके बाद
फिर आगे जाके ब्लॉक टू पॉलिस्फर्मी होता है। एंड ब्लॉक टू पॉलिस्फर्मी हम देखते हैं फास्ट ब्लॉक होता है जहां पे Na+ इनफ्लक्स होता है, एंड स्लो ब्लॉक होता है वहां पे कैल्शियम मेडिटेड ये ब्लॉक होता है। तो ये सारे इवेंट्स हमने सी अर्चिन के फर्टिलेशन में देखे। तो इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए सी अर्चिन के फर्टिलेशन के। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को इस वीडियो के नीचे पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपका उस डाउट का सॉल्यूशन देंगे एंड हम आपको वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और ये स्टार कंसेप्ट का सीरीज आपको कैसे लगा, क्या आपको नई चीजें सीखने को मिल रही है, क्या क्या आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं क्या, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो और कोई सजेशंस हो, कोई आइडिया हो तो भी आप बता सकते हो। यस, सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टार कंसेप्ट में न्यू टॉपिक लेके। तो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।